नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला और यहां पर पुष्कर सिंह धामी के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। आपको बताते चले यहां पर जिसको लेकर के किस तरीके से कामकाज किए गए हैं, क्या कुछ योजनाएं यहां पर लागू की गई और उत्तराखंड के विकास के लिए कितनी यहां पर काम किए गए इसको लेकर के हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, आइए सुनाते हैं। उत्तराखंड सरकार 100 दिन का कार्यकाल पूरा कर रही है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यानी जिनको प्रचंड बहुमत में सरकार बनाने का मौका मिला है, जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पा रहे हैं, किस प्रकार के फैसले ले पा रहे हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सीएम साहब, सबसे पहले तो स्वागत आपको और बधाई भी देते हैं आपको कि 100 दिन का कार्यकाल आपको पूरा हुआ। क्या कुछ आपको धन्यवाद और मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का आभारी हूँ। उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रमों पर, उनके विकास पर, उनकी नीतियों पर, उनके विजन पर मोहर लगाई है और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है, एक मिथक तोड़ा है, एक नया इतिहास बनाया है। हम उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की आशाओं, उनके विश्वास, उनकी अपेक्षाओं को खरा उतरने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और हर संभव प्रयास करेंगे। पिछले दिनों सरकार बनने के बाद नई सरकार के गठन से हमने सेवा, संकल्प, प्रयास और समर्पण, इसके आधार पर आगे बढ़ने का हमने प्रयास किया है। एक आधारशिला रखने का काम किया है, एक विजन बनाने का काम किया है। सारे विभागों को हमने इस दिशा में निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग अपने अपने विभागों का एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करें जो अगले 3 सालों का भी हो, अगले 10 सालों का भी हो। जिस प्रकार से उत्तराखंड के आप अभिभावक हैं, निराश्रित बच्चों से लेकर विधवा, विकलांग, दिव्यांगजनों के लिए फैसले लिए हैं, बात्सल्य योजना जैसी उत्तराखंड में चलाई है, आपको क्या लगता है कि जनता की जितनी उम्मीदें हैं उसको किस रोड मैप के साथ आगे बढ़ाएं? नहीं, हम जनता की जो भी अपेक्षाएं हैं, जो उनका विश्वास है, समर्थन है, उसको निश्चित रूप से पूरा करने की दिशा में हर संभव प्रयास करेंगे और हर वर्ग, चाहे हमारा नौजवान हो, युवा हो, मातृशक्ति हो, हमारे बुजुर्ग हो, सबको ध्यान में रखकर हम योजनाएं बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि सरकार स्वस्थ और पारदर्शी सरकार देना चाहती है, इसी तरीके से काम को आगे बढ़ाना चाहती है। कैमरामैन सतीश कोठारी के साथ श्रीनिवास पंत, हर खबर देहरादून। खबर अल्मोड़ा से है जहां पर मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है, 2 जुलाई तक अलर्ट जारी किया है। आपको बताते चले मौसम विभाग के 2 जुलाई तक अलर्ट को लेकर के जिला प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है। डीएम ने बताया कि जिले की सभी तहसीलों को आपदा से निपटने के लिए तैयारियों को लेकर अलर्ट किया गया। वहीं आपदा विभाग के डिप्टी कलेक्टर को सड़क मार्गों पर जेसीबी समेत अन्य उपकरणों के साथ तैनात रहने के आदेश जारी किए गए। इतना ही नहीं, किसी भी प्रकार के नुकसान को लेकर के उसका तत्काल आकलन कर आपदा मानकों के अनुसार भुगतान करने के भी आदेश दिए गए। साथ ही जिले में मानसून को लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है। अल्मोड़ा में मौसम विभाग के ने 2 जुलाई तक अलर्ट जारी कर दिया है, जिसको लेकर के अब प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। डीएम ने बताया कि जिले की सभी तहसीलों को आपदा से निपटने के लिए तैयारियों को लेकर अलर्ट किया गया है। वहीं आपदा विभाग के डिप्टी कलेक्टर को सड़क मार्गों पर जेसीबी समेत अन्य उपकरणों के साथ तैनात रहने के आदेश भी जारी किए गए। इतना ही नहीं, किसी भी प्रकार के नुकसान को लेकर के उसका तत्काल आकलन कर आपदा मानकों के अनुसार भुगतान करने की भी आदेश दिए गए हैं। आगामी मॉनसून सीजन को देखते हुए सभी संबंधित विभागों के साथ एक बैठक जिला स्तर पर कर ली गई है, जिसमें उपजिलाधिकारियों के साथ पृथक से राजस्व विभाग के संबंध में एक बैठक की गई है। सभी को अपने अपने जो कार्य हैं, अपनी अपनी विभागीय परिसंपत्तियां हैं और उनकी जो ड्यूटीज आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत उनको सौंपी गई है, उसके विषय में त्वरित रिस्पांस के लिए निर्देशित किया गया है। जेसीबी इत्यादि बंद मार्गों को खोलने के लिए लगाने के लिए निर्देश। बागेश्वर के कपकोट इलाके में देर रात से बरसात जारी है। वही मानसून की पहली बरसात ने प्रशासन की तैयारियों के खोखले दावों की पोल खोल दी है। यहां तक कि गांवों को जोड़ने वाली आधी अधूरी सड़कों में कलमट नहीं होने से गांवों को जोड़ने वाली सड़कें बह गई हैं। साथ ही कपकोट का ANM सेंटर भी टूटकर सरयू नदी में बह गया। वहीं एक दर्जन से ज्यादा गांवों से प्रशासन का संपर्क टूट गया। इतना ही नहीं,
बागेश्वर मुख्यालय को जोड़ने वाला मार्ग पूरी तरीके से बंद है, जिस वजह से आवाजाही करने वाले वाहनों और लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दोनों ओर से जेसीबी लगाकर रास्ता खोलने की कोशिश भी जारी है। कल जो बारिश हुई है, अभी आज सुबह तक 212 mm यहाँ पर बारिश हो चुकी है और जो मुख्य मार्ग है हमारे बागेश्वर को लिंक करने वाला वो पूर्णतः बंद हो गया है। हमने दोनों ही ओर से जेसीबी यहाँ पे लगा दिए कि बागेश्वर की ओर से भी और कपूर की ओर से भी, तो शीघ्र ही इस रोड को खोल दिया जाएगा। इसके अलावा भी कई अन्य गाँवों के संपर्क मार्ग हैं जो कि बंद हो गए हैं, इनमें भी हमारी जो विभाग उसको देखते हैं उनकी जेसीबी संबंधित रोडों पर भेजी जा सकती है। इसके अलावा जो भी नुकसान ग्रामीण क्षेत्रों में होने की सूचना आई है, हमारी राजस्व की टीमें उन क्षेत्रों में जा रही है। और हरिद्वार में सुबह से ही बारिश हो रही है, ये मानसून की पहली बारिश है। बारिश के चलते कई स्थानों पर जलभराव हो गया है, वहीं पहली बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल कर रखी है। हरिद्वार में बारिश को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया। बारिश से जहां एक तरफ उमस गर्मी से लोगों को राहत मिली है, तो दूसरी तरफ जलभराव होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर जलभराव हो गया है। ऐसे में आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो चुकी है और लोगों को इसी पानी से होकर के गुजरना पड़ रहा है। तो मानसून की पहली बारिश में ही नगर निगम की पोल खोलती हुई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। हरिद्वार की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां सरकार के निर्देश पर 1 जुलाई से पूरे उत्तराखंड में प्लास्टिक मुक्त अभियान की शुरुआत होगी। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का सामान बेचने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान को लेकर जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। खासकर गंगा घाटों पर बिकने वाले प्लास्टिक की कैन और पॉलिथीन पर प्रशासन की पैनी नजर है। वहीं लोग जागरूक करके प्लास्टिक का सामान न बेचने की अपील की जा रही है। मीडिया में विनय शंकर पांडे ने बताया कि 1 जुलाई से प्रतिबंधित प्लास्टिक का सामान बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्लास्टिक मुक्ति अभियान से पहले लोगों को जागरूक किया जा रहा है। एक गवर्नमेंट का नया जो हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, उसमें प्लास्टिक को बैन करने का एक पास हुआ है। इसमें 100 माइक्रोन पॉलीथीन को प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही जो थर्मोकोल की प्लेट्स हैं, चम्मच है, कई उसमें चीजें हैं। घाटों के लिए हम लोगों ने एक, आपने देखा होगा कि लोग एक प्लास्टिक खरीद के वहां बिछा लेते हैं, बिछा के उस पर बैठते हैं गंगा आरती वगैरह के समय। तो इसमें हमने महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को जोड़ा है और उनकी चटाइयां भी बन गई हैं। तो अब ये प्रयास होगा, देखिए ये सब जो चीजें इतने वर्षों से हो रही हैं, उस व्यवस्था को परिवर्तित करने में थोड़ा टाइम लगेगा। उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा को लेकर के श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा है। वहीं चार धाम यात्रा पर मौसम की मार भी पड़ने वाली है, क्योंकि में मानसून दस्तक दे चुका है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के साथ पर्यटन मंत्रालय भी यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर चुका है। पीडब्ल्यूडी विभाग की भी मुस्तैद हो गया है। लैंडस्लाइडिंग के चलते सड़कें बाधित न हो इसको देखते हुए विभाग ने लैंडस्लाइडिंग वाली जगहों को चिन्हित कर लिया है, जहां पर विभाग की जेसीबी मशीनों को भी तैनाती कर दी गई है। वहीं पीडब्ल्यूडी एचओडी ने बताया कि पिछले साल सड़क को सुचारू करने के लिए 45 मिनट का समय तय किया गया था, लेकिन इस साल कोशिश है कि कम से कम अंतराल में सड़क खोल दी जाएगी, जिसके लिए पर्याप्त इंतजाम किए जा चुके हैं। तो यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। आपको बताते चलें, चारधाम यात्रा को लेकर के अलर्ट भी यहां पर जारी कर दिया गया है।
उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को लेकर के श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा हो रही है। वहीं चार धाम यात्रा पर मौसम की मार भी पड़ने वाली है, क्योंकि उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है। आपको बता दें, मौसम विभाग के साथ पर्यटन मंत्रालय भी यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर चुका है। पीडब्ल्यूडी विभाग भी मुस्तैद हो चुका है। लैंडस्लाइडिंग के चलते सड़कें बाधित ना हो, इसको देखते हुए विभाग ने लैंडस्लाइडिंग वाली जगहों को चिन्हित कर दिया है, जहां पर विभाग की जेसीबी मशीनों की भी तैनाती। वहीं पीडब्ल्यूडी एचओडी ने बताया कि पिछले साल सड़क को सुचारू करने के लिए 45 मिनट तक का समय लिया गया था, लेकिन इस साल कोशिश है कि कम समय के अंतराल में सड़क खोल दी जाएगी, जिसके लिए पर्याप्त इंतजाम किए जा चुके हैं। पीडब्ल्यूडी ने सबसे पहले तो जो चिन्हित स्थान है जहां पर अक्सर लैंडस्लाइड होती हैं, उन सब पर चिन्हीकरण कर लिया है और ऐसे 93 नंबर लगाए हैं मशीनें वहाँ पर। और बाकी हमने जो टोटल मशीनें लगाई हैं 260 जो है मशीनें लगाने हैं। इसके अतिरिक्त हमारी जो अपनी विभागीय मशीन है उनको भी हमने जो है अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। हरिद्वार में लगने वाले कांवड़ मेले को लेकर प्रशासन की तैयारी जोरों पर है। हर की पौड़ी से बाजारों में लगने वाले जाम से निजात पाने के लिए बुधवार से शहर में नया ट्रैफिक प्लान लागू किया गया। तो वहीं कांवड़ मेले से पहले हरिद्वार के बाजारों को अतिक्रमण से मुक्त किए जाने का अभियान शुरू हो गया है। हरिद्वार के सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह और SP ट्रैफिक मांशु ने संयुक्त रूप से बाजारों का निरीक्षण किया। इस दौरान नए ट्रैफिक प्लान का पालन न करने वाले कई टेम्पो और बैटरी रिक्शा चालकों पर कार्रवाई की गई। वहीं हरिद्वार के SP ट्रैफिक सुधांशु ने बताया कि हरिद्वार में जाम की समस्या से निजात पाने के लिए नया ट्रैफिक प्लान लागू किया गया। प्लान का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए पहले भी हिदायत दी जा चुकी है। गुरुवार से अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कांवड़ मेले को लेकर के प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है, अतिक्रमण हटाने का अभियान भी शुरू हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर अतिक्रमण को हटाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। कांवड़ मेले को लेकर के प्रशासन तैयारियों में। आज हमारे यहाँ जो है अनाउंसमेंट किया जाएगा पूरे अपर रोड पूरे शहर क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ, कि कल से हमारा अतिक्रमण हटाओ अभियान प्रारंभ हो जाएगा। और आप देखेंगे जैसे आज से नया ट्रैफिक प्लान लागू हुआ है और जब अतिक्रमण हटा दिया जाएगा यहाँ अपर रोड पर आपके ज्वालापुर और जितना भी शहर क्षेत्र का, तो उसके द्वारा जो है आप महसूस करेंगे सड़क हमारी बहुत चौड़ी है और अच्छा पब्लिक के आने जाने के लिए बड़ी अच्छी सुविधा हो जाएगी। दो महीने से यहाँ पे देखने में आ रहा है कि जो हमारा अपर रोड है या हर की पौड़ी के जो आसपास का जितना भी एरिया है वो पूरा पैक रहता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है उसमें समस्या आ रही है। जो लोकल्स की भी बहुत कंप्लेंट थी कि यहाँ पे जो है जो लोकल आने जाने वाले हैं उनको भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। तो इसको देखते हुए हमने ट्रैफिक प्लान में कुछ चेंजेस किए हैं, जिसमें कि हमारा जो भीमगौड़ा बैरियर पे जो ऑटो लगते थे उनको हमने हटाया है, वहाँ से उनको हमने जगह दिया चमगादड़ टापू पे। तो वो वहाँ से अपनी सवारियाँ, मतलब भीमगौड़ा बैरियर से जो यात्री आ रहे हैं उनको जहाँ भी जाना है वो भीमगौड़ा वाले चमगादड़ टापू से भरेंगे। जो ऋषि के सेंटर वाले हमारे ऑटो हैं वो जयराम मोड़ से या तो वापस जाएंगे या फिर अगर उनको सवारी भरनी है तो चमगादड़ टापू से सवारी भरेंगे और फिर वापस अपने ऋषिकेश जाएंगे। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया टेलर की हत्या करने के बाद देश भर में बजरंग दल ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आपको बताते चलें, राजधानी देहरादून के गांधी पार्क गेट पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और गांधी पार्क से लैंडस्डाउन चौक तक पैदल मार्च करके टेलर कन्हैया के हत्यारों रियाज और गौश मोहम्मद का पुतला फूंका। साथ ही सरकार से कन्हैया के हथियारों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसी की सजा दिए जाने की मांग की गई है। स-
सब लोगों ने चैनलों के माध्यम से देश के जन जन तो ये चीज बताई है कि उदयपुर में किस प्रकार का एक घिनौने षड्यंत्र हिंदुओं की किलिंग लगातार की जा रही है और बजरंग दल का ये देशव्यापी एक आंदोलन है और जो हिंदू राष्ट्र की मुहिम तक चलना है आगे, क्योंकि जिस प्रकार से हिंदू समाज को टारगेट कर नबी की चांद में गुस्तागी का वो प्रोपोगंडा तैयार करते हैं और देश के अंदर अराजकता मचा रहे हैं, ऐसे लोग कौन है? उनको पनाह देने वाले कौन है? उनको पालने वाले वो मदरसे वो मस्जिदें कौन संचालित कर रहा है जिसके द्वारा छोटे छोटे बच्चों के मन में एक जिहाद का एक ऐसा स्वरूप तैयार किया जा रहा है कि वो लोग वीडियो बनाकर किलिंग कर रहे हैं, हिंदू समाज के मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, मारा जा रहा है। और ये पहली बार नहीं घटना हुई, लगातार इन घटनाओं की पुनरावृत्ति होती जा रही है। इस घटना से हमें सीखेगा, ये घटना है कोई छोटी घटना नहीं है, आपने पढ़ा सुना होगा कि ये घटना को अंजाम देने वाला कोई नहीं है, उसका बगल का नसीम है जिसे पूरी जानकारी दी है, और ऐसे नसीम मेरे बगल में भी है, देहरादून में भी है, मेरे बगल में रहते हैं। हमें सीखना होगा, जो हमारे यार दोस्त बन के हमारे हम किसी हिंदू जाते हैं, हिंदू तेरे मुसलमान तेरा दोस्त नहीं है, वो कहता नहीं मेरा दोस्त है। हमें सीखना होगा, अभी समझना होगा, जिस नसीम ने कन्हैया लाल को मृत्यु के घाट उतारा है, ऐसे नसीम मेरे बगल में भी हैं। उनको दुकानें हम किराए में देते हैं, उनका प्रोत्साहन करते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, उनके घरों में बिठाते हैं। अगर आप बिना सीखे तो कभी नहीं सीखेंगे। आज एक कन्हैया लाल मरा है, वो दिन दूर नहीं है कि हम भी टारगेट हैं। लेकिन हम बताना चाहते हैं विश्व हिंदू परिषद के बैनर के नीचे बैठ करके कि अब ये घटना को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी हाल में। सीएम पुष्कर सिंह धामी के 100 दिन पूरे होने पर लोग जश्न की तरह से मना रहे हैं। जी हां, आपको बताते चले, यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इसी मौके पर यहां पर लोग उत्सव की तरीके के इसको मनाने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे में अब क्या कुछ कहना है लोगों का, आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड की समस्त जनता का, मतदाताओं का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उनके आशीर्वाद के बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी सरकार की दोबारा वापसी हो पाई है और मैं खासकर चंपावत की जनता का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने 94% मत देकर भारतीय जनता पार्टी की जीत पर मोहर लगाई है। देखो, 100 दिन में जिस तरह से हम लोगों ने जनता ने से जो हमारा संकल्प पत्र था, जो हमारे इलेक्शन का मैनिफेस्टो, जिसको हमने शुरुआत में भी एक संकल्प पत्र कहा था, उसको लेकर के जिस तरह पहली कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि संकल्प पत्र को गीता के रूप में हम लोग इसको लेंगे और जो एक एक बातें उसमें कही गई हैं उनको क्रियान्वयन करेंगे, उसकी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सभी विभागों में विभागीय अधिकारियों को संकल्प पत्र दे दिया गया है कि ताकि वो संकल्प पत्र के अनुरूप काम कुल मिलाकर के आगे की कार्य योजना बनाए। सबसे पहले तो प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने 2022 के चुनाव में उत्तराखंड में मिथक तोड़ते हुए 2/3 मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। आपने अपने बेटे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी पे, आपने माननीय मोदी जी के नेतृत्व पे भरोसा जताया और लगातार ये सरकार इन 100 दिनों में प्रयासरत है कि जो वादे चुनाव में जनता के साथ किए थे उनको पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री जी के जो 100 दिन का कार्यकाल है, इसमें जो है बहुत अच्छा कार्यकाल दिखाई दे रहा है, जो युवाओं के लिए रोजगार और पहाड़ों में जो है महिला समूहों को बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और जिसमें मुख्यमंत्री जी की जो युवा सोच है युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी का ये 100 दिन का कार्यकाल तो बहुत अच्छा रहा, आगे भी इनका प्रयास रहेगा कि युवाओं को रोजगार के लिए और अच्छे पहल की जाएगी। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं धामी सरकार को 100 दिन सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए। हमें पूर्ण विश्वास है, हम बहुमत से पुष्कर सिंह धामी जी को लाए हैं, अपनी भाजपा सरकार को उत्तराखंड में पुनः लाए हैं, तो ये लगातार महिलाओं के उत्थान और बाल विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे। देखिए, सरकार को 30 जून तक हमें 100 दिन होने वाले हैं और ये 100 दिन निश्चित रूप से मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई दे रहा हूँ। जनता का आशीर्वाद मिला और जिस प्रकार से इस 100 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री चंपावत का उपचुनाव और ऐसे रिजल्ट के साथ हमें आए कि जिसे कह सकते भूतों ने भविष्य थी, न कभी पहले ऐसा रिजल्ट आया ना कभी आने की संभावना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रदेश की जनता का आभार करना चाहता हूँ, एक बार फिर हमें सेवा करने का मौका दिया
और माननीय प्रसाद सिंह धामी जी ने मंत्री बनने के बाद सभी मंत्रियों को लक्ष्य दिए थे। 30 तारीख को हमारे 100 दिन पूरे हो रहे हैं। अपने भागों में मंत्रियों ने पूरी मेहनत करके काम किया और 30 तारीख को उनमें से कुछ योजनाओं का शिलान्यास, जैसे उदाहरण के लिए मेरे यहाँ पर सैनिक कल्याण है। कि सबसे बड़ी उपलब्धि तो है हमारी सरकार की कि हमने जनता का विश्वास जीता है, हमने जो चुनाव में वादे किए थे उनको धरातल पर उतारने का काम किया है। और इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि अभी 4 चुनाव हैं, चंपावत का चुनाव हुआ जहाँ मुख्यमंत्री लड़े, नगर पालिका गोपेश्वर का चुनाव हुआ, और अभी प्रधान जिला पंचायतों के चुनाव है जो छूटे थे। हर जगह भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया गया। तो इसका मतलब यह है कि जो हमने जनता से वादे किए थे वो हमने पूरे किए हैं, और इसीलिए जनता ने फिर हमारे जितने भी लोग थे उनको चुनाव जिता के भेजा है। मैं सबसे पहले तो अपने यशस्वी और ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी को 100 दिन पूरे होने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से उत्तराखंड में आज जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, उनका जो दृष्टिपत्र है और उस दृष्टिपत्र पर जिस प्रकार से वो आगे बढ़े हैं, निश्चित रूप से हम सब लोगों को बड़ी खुशी है। उत्तराखंड में उत्तराखंडी संस्कार के 100 दिन पूरे होने के कार्यकाल को पूरे उत्तराखंड उत्सव के रूप में मना रहा है। दूसरी बात, उत्तराखंडी सरकार उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत में आई। इस प्रचंड बहुमत में आने के बाद उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड शासन के लिए, उत्तराखंड की व्यवस्था के लिए बहुत ही दूरगामी सोच के साथ कार्य किए। हरिद्वार के सीसीआर भवन में टाउन वेडिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें धर्मनगरी हरिद्वार में आगामी कांवड़ मेले से जुड़े कई विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में मेले से पहले रेहड़ी खोखा और पटरी पर व्यापार करने वाले करीब 4000 छोटे व्यापारियों को नगर निगम प्रशासन की ओर से लाइसेंस बांटने का फैसला लिया गया, ताकि मेले के दौरान व्यापारियों को किसी भी तरीके की परेशानियों का सामना न करना पड़े, जिसके लिए 15 जुलाई तक व्यापारियों का चिन्हीकरण करके ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी। कांवड़ मेले से भी था, और इनका जो हमारा वेंडिंग जोन का है वो समस्याएं हैं, तो कुछ नए प्रस्ताव आए हैं चिन्हित करने का, तो उनको भी हम चिन्हित करके खास करके ज्वालापुर क्षेत्र का, तो वहाँ भी हम जो है कोशिश करके वहाँ भी हम लोग जो है वेंडिंग जोन को विकसित करने का कार्य करेंगे। और अभी आप देखेंगे कि कांवड़ मेला और अतिक्रमण अभियान भी स्टार्ट हो गया है, मतलब 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक तमाम जितने भी हमारे स्ट्रीट वेंडर यहाँ पर पंजीकृत हैं हरिद्वार नगर निगम के अंदर, लगभग 2555 लोग प्रथम श्रेणी के अंदर यहाँ पर पंजीकृत हैं, उनको लाइसेंस दिया जाएगा। 1500 लोग ऐसे हैं जिनको पीले कार्ड दे दिए गए हैं, जो पहचान दे दी गई है। ये जो अतिक्रमण की समस्या है कि वेंडर की पहचान नहीं है, यदि वेंडर की पहचान हो जाती है, उसको आई कार्ड दे दिया जाता है, लाइसेंस दे दिया जाता है, तो समय समय पर वो अपनी पहचान बता सकेगा। एक ये भी आएगा ना, जैसे इन लोगों ने जो पैसा जमा कर दिया कंपनी को खोके का, अगर किसी का निरस्त होता है तो उसको वो अरे बेंच तो अपने आप ही व्यवहार देखिए ग्राहक आएगा। हरिद्वार में अवैध कॉलोनियों और निर्माण के खिलाफ हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण एक बार फिर से सख्त हो गया है। इसी कड़ी में प्राधिकरण की टीम ने जमालपुर कला की दयाल इनक्लेव कॉलोनी पहुंची और वहां की जा रही अवैध प्लॉटिंग को सील किया। मौके पर पहुंची प्राधिकरण की टीम ने जेसीबी मशीन से प्लॉटिंग के निर्माण को भी ध्वस्त किया। वहीं प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनय शंकर पांडे ने बताया कि प्राधिकरण ने से नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को सरल किया जा रहा है, सभी लोग नियमों के अनुसार ही निर्माण करें, नियमों की अनदेखी करके किए गए निर्माणों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्पष्ट संदेश है सभी यहां के स्थानीय लोगों को कि नियमानुसार अपना नक्शा पास कराएं, यदि मैप के पास होने में उनको कोई दिक्कत है तो मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। व्यवस्था को सरलीकृत करने का हर संभव प्रयास किया गया है, किसी स्टेज पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर वो बिना मैप पास कराए और अनधिकृत निर्माण करते हैं तो इसका खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ेगा, और ये सीलिंग की कार्रवाई हमारी शीघ्र ही प्रारंभ।
मैंने आपको दो मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। ऋषिकेश के प्रगति विहार में एमडीडीए ने कार्रवाई करते हुए एक मकान की अवैध तरीके से बनी दीवार को गिराया। आपको बता दें प्रगति विहार के मोहन लाल ने नियम के खिलाफ अपने घर की दीवार को 2 मीटर की बजाय 8 मीटर खड़ा कर दिया, जिससे लेकर के पड़ोसी ने एमडीडीए में शिकायत की। मामले में एमडीडीए ने कार्रवाई करते हुए मोहन सिंह राणा को नोटिस जारी किया, फिर भी मोहन सिंह राणा ने अपनी अवैध दीवार को नहीं तोड़ा, जिसके बाद एमडीडीए ने आखिरी नोटिस जारी करके दीवार को तोड़ा। इस दौरान मोहन राणा का पूरा परिवार एमडीडीए के अधिकारियों से उलझता नजर आया। एमडीडीए के एई पीपी सिंह ने बताया कि अवैध निर्माण के खिलाफ एमडीडीए की कार्रवाई लगातार जारी है, किसी का भी दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामला ये है कि इन्होंने हमारे नियम से अधिक ऊंची दीवार बना दी है, क्योंकि हमारा साइड वॉल जो है ना 2 मीटर हाइट तक की होती है, ये लगभग 7.5 मीटर हाइट है, और चूंकि ये दीवार दोनों घरों के लिए खतरा बनी हुई है और इनके पड़ोसी ने शिकायत की है, शिकायत के आधार पर फिर नोटिस काटा गया। हमने अपने नियमों के तहत पीठासीन अधिकारी ने सुनवाई के उपरांत इसमें ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए। इनको 30 दिन का समय दिया गया था कि आप स्वयं ध्वस्त कर लें, लेकिन लगभग 1.5 महीना हो गया तो इन्होंने अभी तक ध्वस्त नहीं किया। उन्हें हमारे अधिकारियों ने इसकी तिथि निर्धारित की आज की 29 जून 2022, तो आज हम इसको तोड़ रहे हैं। लेकिन तोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत यह है कि दोनों तरफ घर बने हुए हैं, तो थोड़ा और कोई नुकसान ना हो जाए तो इसे हम डोजर और लेबर दोनों से तोड़वा रहे हैं, एज पॉसिबल कि कोई नुकसान ना हो। रामनगर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने अपनी ही पत्नी पर तेजाब डालकर घायल करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं महिला की गंभीर हालत के चलते उसे हल्द्वानी रेफर कर दिया गया। इस दौरान मामले का खुलासा करते हुए एसपी क्राइम जगदीश चंद्र ने बताया कि महिला के भाई की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए आरोपी पर कई धाराओं में मामला दर्ज करके पुलिस और एसओजी की टीम ने आरोपी को भवानीगंज इलाके से गिरफ्तार किया। वहीं पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया। इस मौके पर एसपी ने बताया कि मामले में पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। वहीं एसएसपी पंकज भट्ट के जरिए पुलिस टीम को 5,000 का इनाम देने की घोषणा की गई है। ये मामला रामनगर कोतवाली में नॉर्मल स्कूल के पास खताड़ी मोहल्ले का है। इसमें सूचना पुलिस के पास आई थी कि एक महिला पे एसिड अटैक हो गया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उस महिला को हॉस्पिटलाइज किया, वहां प्राथमिक उपचार देने के बाद इसको राजकीय मेडिकल कॉलेज भवानी सुजला तिवारी में रेफर किया गया, वहां पे इस पीड़ित महिला का उपचार चल रहा है। इस पे अभियोग पंजीकृत किया गया है सुसंगत धाराओं में, और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए इसमें कई टीमें बनाई गई थी। 24 घंटे के अंदर अंदर इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त के द्वारा पूछताछ में ये बताया गया कि इसका अपनी पत्नी के साथ विवाद चल रहा था और इसको अपनी पत्नी पे अवैध संबंध। पौड़ी में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मामला शहर के मधुबन होटल का है, जहां पुलिस ने अवैध सट्टा लगाते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। वहीं मामले की जानकारी देते हुए सीओ सदर टमटा ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान के जरिए अवैध कार्यों में शामिल लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्य करने के लिए निर्देश दिए गए, जिसके तहत मुखबिर की सूचना पर आरोपी प्रफुल्ल सिंह को अवैध सट्टा पर्ची और सट्टे की धनराशि 1,790 रुपए समेत गिरफ्तार किया गया। फरार पुलिस आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कि श्रीनगर रोड में एक पॉपुलर कुमार का नाम का व्यक्ति है, जिसकी उम्र 44 वर्ष है, वो सट्टे का कुछ कार्य कर रहा है, जिस पर हमारी पुलिस की टीम उसके घर पर गई, घर पर ही कार्यकर्ता ही घर पर गई और वहां से उसको जो है गिरफ्तार किया गया। उसमें सट्टे का सामान वो कुछ पर्चियां तथा 1,790 रुपए इसमें जो है बरामद किए गए। इसको थाने लेकर जो है सुसंगत धारा में इसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।